संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के राजदूत टीएस मूर्ति ने कहा है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी के तौर पर यहां की वर्तमान स्थितियां हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। हिंसा के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट साफ करती है कि यहां नागरिकों की मौत और निशाना बनाकर की गई हत्याएं रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों, छात्राओं, अफगानी सुरक्षा बलों, उल्माओं, जिम्मेदार पदों पर नियुक्त महिलाओं, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। तिरुमूर्ति ने कहा कि यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के परिसर को भी नहीं छोड़ा गया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के आवास पर हमला हुआ, एक भारतीय पत्रकार की हत्या कर दी गई जब वो हेलमंद और हेरत में रिपोर्टिंग कर रहा था। स्पिन बोल्डक में 100 से अधिक निर्दोष नागरिकों की निर्ममता से हत्या कर दी गई। अफगानिस्तान में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। त्रिमूर्ति ने आगे कहा कि अफगानिस्तान में वैध और पारदर्शी लोकतंत्र की स्थापना के लिए भारत हमेशा उसके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए यहां स्थित आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाहों को तुरंत खत्म करना होगा और उनकी सप्लाई चेन को तोड़ना होगा। ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अफगानिस्तान के पड़ोसियों और क्षेत्र को आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से खतरा नहीं है। आतंकवाद के सभी स्वरूपों के लिए शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने की आवश्यकता है। ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि कोई आतंकवादी गुट अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल न कर पाए। त्रिमूर्ति ने आगे कहा कि उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जो आतंकवादियों को सामग्रियां और वित्तीय मदद मुहैया करा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान को लेकर हमारी जो प्रतिबद्धता है वो बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान को वो हर संभव सहायता उपलब्ध कराता रहेगा जिससे वहां शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित हो और अफगान समाज के सभी वर्गों के अधिकारों और हितों को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें संरक्षित किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश के लिए वादा किया है और कहा है कि आने वाले वक्त में वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहेगा चाहे स्थिति जैसी भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।